यूके का नया वीजा या रिलीजियस वर्क वीजा जो 2 साल का है, जिसके लिए आपको आईलेट्स देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई पुराना एक्सपीरियंस चाहिए। फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, चर्च मंदिर गुरुद्वारा का अप्लाई कर सकते हैं और बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं यूके गवर्नमेंट का एक नया वीजा जो आया है, जिसका नाम है रिलीजियस वर्क वीजा। ये वीजा के ऊपर आप यूके के अंदर 2 साल तक काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर आ सकते हैं और इसके लिए कोई लैंग्वेज का क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि आपको कोई इंग्लिश कोई आईलेट्स टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई हायर डिग्री चाहिए, ना कोई हायर क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप ये वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चैनल के पहली बार आए हैं तो चैनल को डिफरेंट है, ये वीजा में आप कोई भी वर्कशिप प्लेस पे काम कर सकते हैं, जैसे कोई चर्च मंदिर गुरुद्वारा किसी भी रिलीजियस वर्क प्लेस के अंदर जॉब ऑफ निकलती है तो आप अप्लाई करके यूके के अंदर आ सकते हैं इस वीजा के थ्रू। इस वीजा का सबसे बड़ा फायदा है अगर आप किसी भी रिलीजन में मानते हैं आप कहीं भी काम कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस वीजा को अप्लाई करने में कितना टाइम लगता है, वीजा कितने टाइम में आ जाता है, इसकी कॉस्ट कितनी है और कौन सी जो कंपनीज है जो स्पॉन्सर्स आपको करती हैं। तो ये वीजा की जो टोटल ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स है और वीजा खत्म होने से पहले अगर आपने दोबारा कोई स्पॉन्सर सर्च कर लिया है तो आप इस वीजा को जो है वो एक्सटेंड करा सकते हैं। ये वीजा को आप यूके और आउटसाइड यूके भी एक्सटेंड करा सकते हैं, यानी कि इंडिया। तो ये वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक जॉब सर्च करनी होगी, वो चाहे मंदिर हो गुरुद्वारा हो या चर्च हो। उसके बाद वो आपके डिटेल्स चेक करने के बाद आपको एक लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप देते हैं, जिसके बिहाव पे आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपना जो है वीजा अप्लाई कर सकते हैं और बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीजा की बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया वो जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम किसी और फील्ड में भी काम कर सकते हैं यूके के अंदर, लेकिन आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं। ये वीजा के ऊपर आप कोई एजुकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा जिस भी कोर्स में आपको एनरोल होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस वीजा की जो कॉस्ट है वो क्या है। तो इस वीजा की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 298 pounds है, जो इंडियन रुपी के हिसाब से 30,000 होती है। वीजा के बाद आपको इनकी IHS फी पे करनी पड़ती है, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है यूके का, उसकी कॉस्ट आपकी अप्रोक्सीमेटली 624 pounds है पर ईयर की, जो 2 ईयर के मिलाकर आपको 1268 हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस वीजा के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है आपको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, आपके अकाउंट में 12,700 pounds होने चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 से अबव होनी चाहिए। लेकिन आपके साथ अगर आपके डिपेंडेंट्स भी आ रहे हैं तो उनका भी जो कॉस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपने पर डिपेंडेंट का आपका वीजा प्लस IHS फी जो है वो पे करनी पड़ेगी, जो आपके जितनी ही होगी। और जो फंड्स आप शो करेंगे वो 28 डेज ओल्ड होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। तो नेक्स्ट आपका आता है आप जॉब्स कहां से सर्च करें, तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये काफी सारी जो जॉब्स हैं ये चर्च में गुरुद्वारा में मंदिर के अंदर निकली हुई है। तो इसके अलावा जो और ऑप्शंस हैं आप लिंक्डइन के ऊपर भी जाकर चेक कर सकते हैं और एक इंडीड वेबसाइट है आप उसके ऊपर भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये वीजा का यही बेनिफिट है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं, वो भी यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।